हमें ट्रेनर है, वो हमें अपने बारे में बता रही है। वो कहती है मैं एक बॉन फाइटर हूँ और हर लड़के को पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मुझे एक आदमी मिला जो मेरे फादर की तरह था, उसका नाम था जूलियन और वो जिम का ओनर था। सियाना के पास लड़का आता रहता है जिसका नाम जैक्स है। जैक्स एक बहुत अच्छा फाइटर था, उसने काफ़ी सारी फाइट्स जीती हैं। अब सियाना जैक्स को ट्रेन करने लगती है और धीरे धीरे उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनने लगता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। एक दिन जैक्स का एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका है। सियाना को भी ये देखकर हर्ट हो रहा था। वो जैक्स को दिलासा देकर और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी स्किल्स को और भी बेहतर कर देगी। अब हम दोनों को रिंग में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ जैक्स पूरी तरह से रिकवर हो गया है। यहाँ फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और सियाना को जैक्स से सच्चे वाला प्यार हो जाता है। इस बात से सियाना काफ़ी खुश है। एक दिन वो जैक्स के लिए न्यूट्रिशन लेकर घर पर आ रही होती है और देखती है कि जैक्स उसकी सिस्टर के साथ बैंग बैंग कर रहा था। ये देखकर सियाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब वो गिव अप के बारे में सोचती रहती है। इसके लिए वो कॉलेज जाती है मगर उसके पास पैसे बहुत कम हैं, उसे एक सस्ता रूम चाहिए होगा। क्लास में उसे जैकब मिलता है जो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। वो सियाना को रूम रेंट के लिए एक एड्रेस बताता है। जब सियाना उस एड्रेस पर जाती है तो उसकी मुलाकात केडन से होती है जो एक फाइटर है और लड़की उसे दूर रहता है। वो सियाना उसको साफ साफ मना करके उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद सियाना जिम में जाती है जहाँ जूलियन को जिम बंद करने की नौबत आ चुकी थी। क्योंकि जैक्स ने जिम छोड़ दी तो बाकी लोग भी नहीं आते हैं। सियाना जूलियन की मदद करना चाहती है। वो रात में एक अंडरग्राउंड फाइट देखने जाती है जहाँ जैक्स उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सियाना उसे धक्का देकर दूर हटा देती है। अब फाइट जैक्स और केडन के बीच होने वाली थी जहाँ सियाना के दोस्त केडन को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो केडन पर पैसे लगा देती है। फाइट में जैक्स केडन पर भारी पड़ रहा था जिस वजह से केडन बहुत पिट रहा था। लेकिन फाइट ख़त्म होने से पहले वहाँ पुलिस आ जाती है, सबको वहाँ से जाना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से सियाना को बस स्टॉप पर ही सोना पड़ता है। अगली सुबह वो केडन के पास जाती है और बताती है कि वो जैक्स से जीतने में उसकी मदद करेगी और क्योंकि वो जैक्स की रग रग से वाकिफ है। काफ़ी सोचने के बाद केडन इस बात से मान जाता है और अपने घर पर रहने की जगह दे देता है। अब सियाना कॉलेज जाती है तो उसकी सिस्टर उसके बीच में जैक्स को लेकर बहस हो जाती है। सियाना से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो सही लड़का नहीं है लेकिन उसकी सिस्टर नहीं मानती। इसके बाद जब सियाना वापस घर पर आती है तो केडन उसके हारे हुए पैसे रखकर उसे घर से निकाल देता है। फिर सियाना केडन के पास जाती है और उससे फाइट करके उसे इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद दोनों अच्छे से ट्रेनिंग करने लगते हैं। सियाना उसे बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही थी। इसी बीच वो अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। जब नेट में सियाना केडन को ट्रेन कर रही थी तभी जैक्स पीछे से आकर सियाना से चिपकने की कोशिश करता है। ये देखकर केडन का ध्यान भटक जाता है और वो मार खा लेता है। सियाना जैक्स को इग्नोर कर देती है और बाहर आकर केडन के फेस पर बर्फ लगाने लगती है। तभी जैक्स वहाँ आकर केडन को निशाना बना लेता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है और सियाना उसकी बाइक को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। एक दिन सियाना पेंट कर रही थी जहाँ दोनों के बीच मस्ती होने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर एकदम से केडन दूर हो जाता है क्योंकि वो अपने टारगेट पर पूरी तरह से फोकस रखना चाहता है। इसके बाद वो टफ ट्रेनिंग करने लगते हैं और एक दिन ट्रेनिंग करते वक्त दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और घर में आकर बैंग बैंग करते हैं। इसके बाद दोनों ट्रेनिंग के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी मजबूत कर रहे थे और हम देखते हैं कि जैसे सियाना ने जैक्स के साथ रिलेशन बनाया था उसी तरह वो केडन के साथ भी रिलेशनशिप बना रही है। अब केडन एक अच्छा फाइटर बन चुका है। यहाँ पर दोनों तैयार होकर एक पैडिंग में जाते हैं और साथ में डांस करते हैं। जब सियाना वॉशरूम में होती है तो वहाँ जैक्स आकर अपनी बातों के जाल में सियाना को फंसाने की कोशिश करने लगता है, मगर वहाँ पर केडन आ जाता है। जैक्स केडन को कहता है कि सियाना उसे यूज़ कर रही है, वो प्यार सिर्फ मुझसे करती है, और लड़ने के लिए केडन को उकसाने लगता है और उसके मदर के बारे में बोल देता है, जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। सियाना बीच में आकर केडन को वहाँ से ले जाती है। फिर केडन अपनी मदर के बारे में सियाना को बताता है और तभी उसे पता चलता है कि फाइट के दौरान केडन की पसलियाँ टूट गई है। सियाना उससे फाइट लड़ने से मना करती है लेकिन केडन एक नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। ये फाइट बहुत ही सीरियस थी और सियाना भी उसे सपोर्ट कर रही थी। केडन बहुत मार खाने के बाद
आखिरकार फाइट जीत जाता है। सियाना सबके सामने केडन को किस करने लगती है। तभी जैक्स खड़ा होता है और केडन को पंच मारता है, मगर गलती से पंच सियाना को लग जाता है। सियाना को 3 दिन बाद होश आता है और उसे केडन का नोट मिलता है, जिसे पढ़कर सियाना की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ जैक्स आता है, उसने जो भी किया उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता और वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दिनों बाद सियाना पूरी तरह से ठीक हो चुकी है जब वो ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी केडन वहाँ आता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है वो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।